से हॉरिबल जर्नी होने वाली है, मतलब ट्रेन छूटने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। और ये जो ब्लॉग है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक गुड न्यूज के साथ आज का दिन स्टार्ट हुआ। पता है क्या? वो ये है कि हमारा टिकट कंफर्म हो गया। ऐसा हम लोग को लग नहीं रहा था कि हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मल टिकट भी कराया था और तत्काल भी कराया था, और दोनों में से कौन सा कंफर्म होगा ये नहीं पता चल रहा था। लेकिन दिव्या की एक पहचान है और पहचान ने अपना काम कर लिया, तो हम लोग अभी जा रहे हैं और तैयारी पूरी हो चुकी है। और तैयारी मेरी लास्ट बची हुई है, सबसे लास्ट में मेरा ही तैयारी होता है। तो अभी जो स्टूडियो है, स्टूडियो को अलविदा करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। इसके बाद वापस आके फिर से अपने प्यारे स्टूडियो में वापस से मैं लग जाऊंगा। स्टूडियो की देखभाल जो है अभी ये बियर करने वाला है, तो जितने भी आप कुछ बियर करना है सब के सब अभी बियर करेगा। चलो रेडी 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 हो गए, सबको काम अलॉट हो रहा है। रूबी ये पानी जरूर डालना उसमें, ठीक है? बैग में मनी बैग, यही पैसे से हम लोग ऐश करेंगे, ठीक है? वाओ, कितना सारा कुछ बैग में, दिखाओ तो। ये सब तुम्हारे लिए है। चलो 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 चलो, बहुत सारा सामान हो गया। कैब आ चुकी है। यस, कौन गिर गया? आयरा गिर गई, क्या बात है। चलो गिरना शुभ है, चलिए बाय बाय बाय। ओके, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ ना कुछ परेशानियाँ ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। जैसे कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हम लोगों ने आधार कार्ड छोड़ दिया था, आईडी कार्ड छोड़ दिया था। इसके अलावा कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने बहुत लेट से निकले थे और ऑलमोस्ट फ्लाइट चली गई थी। और तीसरे टाइम क्या हुआ था कि दिव्या का नया मोबाइल जो था ना, वो भी गुम गया था। कैसे करके वो सब मिल गया। इन्स वेल ऑल वेल, तो सब कुछ अभी तक तो ठीक था। लेकिन पहली बार ऐसे मुझे लगा ना कि अब तो आज कुछ दाल नहीं करने वाली है। टिकट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था ना वो हो चुका है। हम लोग जब भी करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मज़ेदार ज़रूर होता है। इस बार क्या हुआ, सबके डॉक्यूमेंट्स हैं और इस बार लेकिन हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। और ट्रेन से क्या है ना कि जब हम कैब में बैठे ना, प्रॉब्लम कहाँ पे आई पता है? क्योंकि मुझे लगा था ना कि एक घंटे में वो पहुंचा देगी हम लोग को सीएसटी, मीरा रोड से सीएसटी, जहां पे हमें ट्रेन पकड़ना है। कैब वाले ने ऐसा शो किया था, तो मैंने सोचा ठीक है मैं 2 बजे दोपहर में बुक करूंगा और 3 बजे पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे हमारे पास स्पेयर रहेगा। लेकिन 2 बजे मैंने जब कैब बुलाया और कैब बुलाने के बाद उसका जब मैंने टाइम देखा तो पता चला 2 घंटे लगा रहा है। आप सोचो, 2 बजे निकले हम लोग और 4 बजे तक पहुंच गए। 4 बजे पहुंचेंगे, हो सकता 5 या 10 मिनट भी अगर आगे पीछे हुआ तो हमारे गई ना ट्रेन। तो यही सोच के फिर दिव्या ने बोला कि एक काम करो, ट्रेन कैब में हम लोग बैठ चुके थे, फिर भी उसने बोला कि एक काम करो, कैब को बोलो कि चले हमारे स्टेशन पे और वहाँ पे हम लोग लोकल पकड़ेंगे, चर्चगेट जाएंगे, चर्चगेट से फिर हम लोग विटी जाएंगे, मीन्स की सीएसटी। तो ये हमारा प्लान था और यही देखते हैं अभी एग्जीक्यूट करता है कि नहीं करता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि ट्रैफिक नहीं रहेगी, यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिल गया कि मतलब 2 घंटे बता रहे, यानी कि 2 बजे निकले यानी 4 बजे पहुँचेंगे, तो रिस्क है। तो इसलिए हम लोग बेटर कि लोकल से सफ़र करते हैं, ज़्यादा सफ़र ना हो जाए इस सफ़र में। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लोकल पकड़ेंगे, लोकल से ही हम लोग चर्चगेट से फिर सीएसटी जाएंगे। लोकल अभी आने वाली है और दिव्या टिकट का अरेंजमेंट कर रही है, तो स्टेशन पर रश तो कम लग रहा है, देखते हैं अभी कि पहुंच पाते कि नहीं। मुझे लगा था कि आज संडे है, संडे नहीं छुट्टी का दिन, तो वैसे उतना रश नहीं होगा, लेकिन रोड पे इतना ज़्यादा रश था। अभी ट्रेनें में भी रश है, रश इतना ज़्यादा है कि हर ट्रेनें नहीं जा रही है, तो हम लोग एसी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। घबराहट इतना ज़्यादा हो रही है कि मैं बता नहीं सकता कि, और एक ट्रेन भी आ रही है और ट्रेन पर चढ़ पाते कि नहीं ये भी पता नहीं। तुमको ट्रेन नहीं मिली कोई भी? इनको बहुत क्रेज है, कभी हम लोग ट्रेन पर जाते नहीं है ना। क्यों ट्रेन से गुस्सा आ रहा है? चलो 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 चलो, रुको, तुम लोग इधर ही रहना, रुको रुको इधर ही रहो। सबसे हॉरिबल जर्नी होने वाली है, ये लोग तो अपनी मस्ती में, इनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग कितना भागम भाग कर रहे हैं, सामान वगैरह जो मैं कभी उठा नहीं सकता था ये मैंने पूरा उठा के ये यहाँ पे रखा है। देखते हैं ट्रेन पकड़ में आता है कि नहीं। पहले तो ये है कि चैलेंज ये है कि सीएसटी से पहले हमें चर्चगेट पहुँचना है, और चर्चगेट अगर हमें 3:30 बजे तक पहुँचाता है तो हम लोग कम से कम आधा घंटा चाहिए सीएसटी जाने के लिए। Thank you.
बिग रिलीफ ये था ना कि कैसे तो भी हम लोग करके, एक टाइम ऐसा लगा था ना कि चर्च गेट जो हम लोग जा रहे थे ना, लोकल लेट हो जा रही थी, हर स्टेशन पे रुक रही थी, तो अब ऐसा लग रहा ना कि अब वो हमें कम से कम टाइम पे तो हमें चर्च गेट भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सिचुएशन था एकदम, कहते ना कि हार्ट बीट वाला, जब बढ़ने वाला, कमज़ोर दिल वाले मैच को ना देखे, वैसा था मेरी हालत पहली बार, इतनी ज़्यादा ख़राब थी। पहुँच तो गए, अब वहाँ पे कैब वाले जाने के लिए रेडी नहीं है, वो कह रहे कि किसी ने बोला कि मैंने वर्दी नहीं पहनी है, किसी ने बोला कि हम डबल ट्रिपल लेंगे, तो अमाउंट भी इतने ज़्यादा मांग रहे थे ना, उनको पता चल गया कि ये लोग जाने वाले और ज़रूरतमंद हैं। तो उसमें से एक बंदा जो था वो रेडी हुआ। तो अभी ट्रेन से उतर के हम लोग अभी पहुँचे कैब में, और कैब से मिलने में कितना टाइम लगेगा? कैब से 15 मिनट, तो 15 मिनट यहाँ से लगेगा, और 25 मिनट के बाद हमारी ट्रेन है, तो 10 मिनट भी हमारे लिए स्पेयर रहेगा। तो 18 नंबर प्लेटफॉर्म है, वहीं पे हम भैया डायरेक्ट उतारने वाले हम लोगों को, तो ज़्यादा चलना ना पड़े, तो होपफुली ट्रेन ना खुले। उसने, मुझे लगता है कि डबल फेयर ऐसे उसने लिया होगा, लेकिन क्या करें, अभी हमें तो ये था ना कि कैसे करके हम लोग स्टेशन पहुँचे, बस वहाँ पर स्टेशन पहुँचे, हमें ट्रेन पकड़ा दे, बाकी हम पैसे हम उसको दे ही देंगे। हालांकि कस्टमर देने लायक होना चाहिए। नहीं नहीं, हमारी जितना हाई है, हमारी जितना हमारी तरफ मजबूरी होना चाहिए, मतलब ट्रेन छूटने वाला है, बस तो ये है कि हम लोग खड़े जब बैठे ना चर्च गेट पे, तो शेयरिंग का हिसाब होता है, 40+ सीट, 160 रुपये। अच्छा, इसलिए मैं मुझसे 150 ही निकला, मैं 150 ही बोला था, याद कीजिएगा। ठीक है, चलो खाली बस पहुँचे। इतना कट टू कट में हम लोग आज तक कोई जो ट्रैवलिंग था होता नहीं कि हम लोग इतना फ्लाइट भी मिस करते करते रह गए, लेकिन मिस नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रेन नहीं मिस होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू। फ्लैग, वाओ, चलो 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 चलो, अभी सिर्फ 15 मिनट रहे भैया, चलो चलो चलो, आराम से आओ जो, तुम आराम से आओ, तुम किसी भी बोगी में चढ़ जाओगी चलेगा, यही ट्रेन है जो, यही वाली, हाँ यही वाली ट्रेन है जो सामने लगी, वाओ, सबसे सामने ही लगी है ट्रेन, हाँ यही ट्रेन है, ग्रेट। रुक जाइए, आ जाओ, चलो जाओ, नहीं गिरोगी? नहीं गिरेगा। वाह मिशी, ये डिसीजन सही था वो कि कैब से जाना, नहीं तो मतलब इतनी, हाँ कैब मतलब ट्रेन से, क्योंकि मैं डायरेक्ट कैब से जाने वाला था सीएससी, लेकिन दिव्या ने बोला इन टाइम पे कि नहीं नहीं गाड़ी मोड़ो, कभी कभी जो डिसीजन होते हैं वो सही होती है, एकदम साइमल्टेनियसली बना के, हाँ हाँ ये तो है, तो बोला नहीं जा रहा यार, मुंह सूख गया मेरा पूरा, लोकल में तो लिटरली मेरी वाट लग गई थी एकदम, कि सोच के कि शायद इस बार छूट जाए B3, ऐसा लग रहा था कि सही में छूट जाएगी ट्रेन, भले ही थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े, लेकिन उस बंदे ने पहुंचा दिया ट्रेन। A4 ने, चलो ले गया अंदर, कूली ने भी पैसे बहुत ज्यादा मांगे, अब क्या करें, अब लास्ट मोमेंट था, अब ट्रेन भी उसने पहुंचा दिया, ट्रेन के अंदर पहुंचा दिया, बर्थ हम लोग को मिल गई, वहां पे बैठ गए, सुकून मिला हम लोग को, तो पैसे निकालते हम लोग को कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, हम लोगों ने पैसे दिए, और सबसे अच्छी बात यह ना कि वो आयरा को कैरी करके लाया अपने जो ट्रॉली पे था ना, वो हमारे लिए बिग रिलीफ था। थैंक यू, हाँ एकदम रिलैक्स हो गया, इतना रिलैक्स मैं लाइफ में कभी नहीं फील किया, इतने ज़्यादा मैंने ट्रेनें मिस की हैं या फ्लाइट मिस करने वाला था, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट, कहते हैं ना 8 बॉल में 28 रन मारने थे, वही वाला सिचुएशन था आज। एग्जैक्ट 4 o'clock है ना, एग्जैक्ट 4 o'clock में खोला, सोचो अगर हम लोग 5 मिनट भी अगर लेट होते थे, नहीं होते थे, आई हैड दैट कॉन्फिडेंस। तुम्हें कॉन्फिडेंस था, मुझे नहीं था आज, ये सोच के ही मैं परेशान हो गया, पता है क्या, जबकि हम इतने अच्छे से बैठ गए थे, परेशान इसलिए हो गए थे, अगर हम लोग 5 मिनट भी अगर लेट हो गए होते थे तो क्या होता था, क्योंकि जो ट्रेन थी ना एग्जैक्ट 4 o'clock,
एक सेकंड इधर या उधर नहीं, एग्जैक्ट 4 o'clock खुल गई थी। अगर हम थोड़ा सा भी 2 मिनट भी लेट उतर देते ना, तो कहीं ना कहीं से हम लोग की ट्रेन छूट जाती थी और हम लोग वहीं मुंबई में रह जाते थे। यस, यू वांट एनीथिंग? नो, आई वांट अ स्मूदी। ओके, ये चाहिए, इनका जो सबसे फेवरेट है ना, ये लो। किसको चाहिए? नहीं मिलेगा। फिनिश हो गया ना ये, अच्छी बात है ना। क्या हुआ, और चाहिए? दीदी के पास ले लो। तो डैडी का पार्ट ले लो, ले लो, दीदी का है। वाह, कितनी गुड गर्ल है ना दीदी, वेरी गुड, थैंक यू। लो, अब दीदी को छोड़ेगी नहीं जब तक वो पीने कंप्लीट नहीं करे। दीदी कितनी सीधी है, देखो गुड गर्ल बोल गया अभी। पूरा उसका पी भी जाएगी, देखो देखो कैसे उसको ना अच्छी तरीके से मसाले में ले रही है और उसका ले भी लेगी, देखो देव। अभी तक अपना कंप्लीट गया और देखो अब पलड़ा उधर हो गया, अब वो पूरा का पूरा चार्ज अपने हाथ में ले लिया, अब उसको कभी कभी देगी। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं राजधानी में, और राजधानी के क्या प्रिविलेज है ना वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने एंटर किए तो क्या हुआ, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आई। ठंडी हवा तो वैसे भी सारे ए सी में रहता है, लेकिन राजधानी की हवा में कुछ एक्सपेंसिव हवा थी, ठंडी ठंडी हवा थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पानी की बॉटल मिला, जो जनरली पता नहीं शायद दूसरे में मिलता नहीं मिलता। तो दूसरा प्रिविलेज क्या था कि वो पूछने है कि खाने में क्या चाहिए, तो खाने में क्या था कि हमें वेज ही खाना था एक्चुअली, है ना। तो सिर्फ वेज, तो वेज हम लोगों ने बोला कि हमें वेज ही चाहिए। और दूसरा ये कि आपको क्या है कि बोला कि दिव्या को कुछ कॉफ़ी चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपके प्लान में ही जो आपने प्लान लिया है उसी प्लान में है, और कॉफ़ी और जो स्नैक्स वगैरह है वो इवनिंग को आपको मिलेगा, और इसके बाद न्यूज़पेपर। क्रिकेट प्रेमी, तो क्रिकेट प्रेमी वही है या स्पोर्ट्स प्रेमी वही है जो न्यूज़पेपर मिल रहे तो सेकेंड लास्ट पेपर ओपन करें, जैसे ये। तो यहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं अभी क्रिकेट का मैच होगा तो अभी ट्रेन में ही होगा या फिर रेडी होते हैं। चलिए, थैंक यू, ये लो ले लो। अच्छा जूस चाहिए, लो ये तुम्हारा जूस। जो ट्रेन में इन्होंने जो दिया ना ब्रेकफास्ट में, एक तो मैंगो का जो एक उनका ही ब्रांड मुझे लग रहा है, ऐसे ब्रांड बाहर तो मैंने नहीं देखा लेकिन ये अच्छा है। और ये एक को हो गया जूस, और दूसरा ये हो गया सोन पापड़ी। सोन पापड़ी भी अच्छा है, बियानियो शायद बिकानो का है, बियानियो तो हमारी पेंसिल होती है। और ये एक समोसा है, समोसे की क्वालिटी भी अच्छी है मैंने देख लिया। और इसमें चाय सामग्री है, बच्चों को अच्छा एक्साइट करेगी। और ये चना मसाला बहुत अच्छा है, मतलब बहुत मसालेदार है ये। तो कुल मिला के अच्छा पैकेज है, और एक बंदे के लिए तो बहुत काफ़ी है। बहुत अच्छा लगा मुझे। आयरा को आता है? आयरा तो पूरा बिजी है ना अपने में। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसे कैसे बनाया दिखा, आयरा कैसे बनाया हार्ट? बहुत प्यारा हार्ट बनाती है। तुम्हारा चाय आ गया, चाय पीना। क्या बात है, नासिक आ गया, नासिक। पहली बार ऐसा मुझे लगा ना कि आयरा से भी कोई ज्यादा शैतान हो सकता है, शैतानी मतलब शैतानी करने में। क्योंकि जब ट्रेन में जब घुसे थे हम लोग, कुछ देर तक तो ठीक रहा था, कुछ लोग अपना बातें कर रहे थे, थोड़ा लाउड में कर रहे थे, ठीक है, वो बियरेबल था। मैं भी अपने में ही लगे हुए थे, हम लोग बातें कर रहे थे, तब तक एक बंदा अचानक से जागा और उसने जो शाउट करना चालू किया ना, एकदम ट्रेन को हिला के रख दिया उसने। अकेले जो थे ना 20 लोगों पे भारी पड़ रहा था वो बंदा, और चिल्लाया जा रहा था एकदम। और पहली बार मुझे लगा ना कि बच्चे जो थे ना, बच्चे तो बच्चे लड़ते ही है, बड़े भी कहीं से कम नहीं है। बच्चों की तरह लड़ रहे हैं ना एकदम, छोटी छोटी बातों पे एकदम, थोड़ा सा शोर भी हो गया तो क्या हो गया। पुलिस आ गई थोड़ी देर बाद, और पुलिस के सामने भी वो लोग शाउट कर रहे हैं। तब कैसे भी जाके कुछ देर के बाद फिर क्या हुआ,
कि मामला थोड़ा शांत हुआ और उनको बताया गया, और फिर भी उस बंदे ने वार्न किया है कि अब कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे इतना शोर मचा रहे हैं, आवाज करने के बाद आवाज करना तू अभी खाली पुलिस की कमी थी, वो भी आ गई, तो पुलिस ने आके चार्ज संभाला है। तो थोड़ा पता नहीं कैसे बच्चों की तरह गाली गलौज सब 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 कुछ कह रहे हैं कि कोई डोंबिवली से, कोई कोई कल्याण से है, उस तरीके से बातें कर रहे हैं। देखो पुलिस आई, क्या बात है, खाना आ चुका है। कैसे खाना, इसमें क्या क्या दिया है? चपाती, दही, अचार, दाल और ये पनीर की सब्जी और राइस। तो नॉनवेज खाना खा के मजा आ गया। मैंने जो खाया इससे थोड़ा डिफरेंट था लेकिन अच्छा था। और खाने के बाद अभी आइसक्रीम। खाना अच्छा था आपका? तुम्हारे ऐसा लग्जरी फीलिंग नहीं आ रही है, स्पेशल तुम्हारे लिए चाय बना के लाया। एक्चुअली है क्या, ग्रीन टी? ग्रीन टी, ग्रीन टी मिल गया तुमको ट्रेन में? वाह, ये किसका है सरप्राइज? किसका है? मैं खा लूंगा मुझे नहीं मिलेगा, प्लीज। गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों। बच्चों हम बच्चे हैं कि तुम बच्चे हो? गुड नाइट। ये देखो कांड करके बैठी, उंगली दिखाओ अपने जरा, फिर से कट कर लिया ना। तो कुल मिला के आज का दिन जो था हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा, स्ट्रगल वाला था। क्या होता है ना कि आप स्ट्रगल करो, ऊपर नीचे होती है, होता है ना इंडिया का जब मैच जीतने वाला होता है, वो लास्ट मोमेंट में आपको बताया था 8 बॉल में 28 रन मारने होते, तो उस समय हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन जब जीत जाता है ना तो सुकून जो आता है ना, वैसे ही आज कुछ सुकून आ रहा है। और अभी जाने वाले सोने के लिए गुड नाइट सबके साथ हो चुका है, तो मिलते हैं कल सुबह में, देखते हैं क्या होता है, नया एक चैप्टर खुलने वाला है कल सुबह में, कल सुबह तक तो पहुँच जाएंगे हम लोग। तो कल मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।